बात करते हैं, बहुत ही कामयाब फिल्म रही है और उसके बाद जय गंगा जल का आप कैसे हिस्सा हुए, हाउ यू केम ऑन बोर्ड? मुझे सर का एक दिन फ़ोन आया लंच पे कि आइए आपको आपके साथ लंच करते हैं। मैं यहाँ ऑफिस आया, उनके साथ लंच किया और उन्होंने एक स्टोरी सुनाई जो जय गंगा जल की स्टोरी थी। अब जैसे कि मैं नहीं, मैं तो सारे लोग गंगा जल के इतने बड़े फ़ैन हैं और जब वो जय गंगा जल बना रहे हैं तो मुझे लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा लक है, क्योंकि गंगा जल को देख के मैंने सोचा था कि काश मैं इस फिल्म का हिस्सा होता। और आप जय गंगा जल का मैं नरेशन सुना, मुझे बहुत मज़ा आया फिल्म में। और फिर करीब हम तीन साढ़े तीन महीने तक एक साथ बातचीत करते रहे। मैं 12वें ड्राफ्ट से आया था और 16वें ड्राफ्ट तक जो शूट हुआ है तब तक साथ था सर के। तो बहुत मज़ा आया एक साथ काम करने में, बहुत कैरेक्टर को बहुत अच्छा डेवलप किया फिल्म में, बहुत मज़ा आया काम करने में। सो मेरे ख्याल से इट्स ये सबसे फैंटास्टिक फिल्म है, बहुत बहुत बढ़िया ड्रामा है जो शूट हुआ है। जो बबलू पांडे का जो कैरेक्टर जो मैं कर रहा हूँ उसमें, मैंने इतना इमोशनल कैरेक्टर कभी किया नहीं है और ये पहली बार विलन ऐसा होगा जिससे लोगों को प्यार होगा, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसको लेकर। कितना चैलेंजिंग था जब हम बात करते हैं विलन भी और इमोशनल भी, ये कितना चैलेंजिंग था और क्या ब्रीफ था जहाँ साहब का? मेरे ख्याल से ये बहुत रेयरिटी होती है कि जब आपके लिए कोई विलेन लिखा जाए और विलेन के पास लॉजिक सारे करेक्ट हो। मतलब आप जब ये बबलू पांडे को देखेंगे तो आप बोलेंगे कि मैं भी अगर इनकी जगह होता तो ऐसे रिएक्ट करता, तो लॉजिकल बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, आपको हम मेरे को बतौर अभिनेता है बहुत सारा सबटेक्स के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, बहुत सारा लेयर करने में मज़ा आता है। तो बहुत रेयर होता है कि इतने अच्छे करेक्टर लिखे जाते हैं। मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि बबलू पांडे कैरेक्टर इतना अच्छा लिखा और सर ने पूरी लिबर्टी दी कि मैं इसको कैसा भी इंटरप्रेट कर सकता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया इसको इंटरप्रेट करने में, आई हैड लॉट ऑफ फन और मुझे पूरा यकीन है कि लोगों को बड़ा मज़ा आएगा इसको देखने में। नहीं, इट्स नॉट, सी व्हाट इज चैलेंजिंग इज व्हेन द कैरेक्टर इज बोरिंग एंड यू आर पुशिंग टू मच, दैट इज चैलेंजिंग। दिस इज टफ, वेरी डिफिकल्ट। आई हैड, मतलब इतना कठिन मैंने रोल नहीं किया, बट ऑल्सो बिकॉज इट्स बीन रिटन सो वेल, तो यू लव इट, यू लव द चैलेंज, बिकॉज एक एक सीन करने में आपको इतना मज़ा आ रहा है। आप रूम पे आके चाय पीते हो, आपको लगता है कि आज का दिन कितना अच्छा गया। और देर वर डेज आई हैड सो मच फन, तो और देर आर देर वर सम सीन्स विच आई स्टिल फील एंड आई फील कि वाह मज़ा आया था उसको करने में। सो आई एम वेटिंग, मतलब मैं तो चाहता हूँ जल्दी से आँख बंद करूँ, आँख खोलूँ, 4th of March आए और आप लोग सभी फिल्म देखें। एंड आई रियली लव टू सी एवरी वंस रिएक्शन। The thing, I don't know where my life and my acting and everything will turn and take a new space. I have no idea. But the thing is, this is one of the most important thing I'm doing. I haven't got like जितने भी character मैंने अभी तक किए हैं, ये इस commercial scenario में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण character है। आई होप ये टर्निंग पॉइंट हो और मैं अगली बार जब आपके साथ बैठूं, बात करूं और लगे कि तो मैं कह सकूं कि जय गंगा जल मेरा टर्निंग पॉइंट था। यू नो, झा साहब खुद इसमें डेब्यू कर रहे हैं, उनके साथ आपके बहुत से सीन हैं, वो एक्सपीरियंस क्या था? और झा साहब इज अ बेटर एक्टर और बेटर डायरेक्टर? ऑफकोर्स ही इज अ मच मच बेटर डायरेक्टर एंड मच मच बेटर राइटर, बट मेरे ख्याल से जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक्टिंग भी इस पूरी फिल्म मेकिंग का एक हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि जब वो लिख रहे थे, स्क्रीन प्ले भी लिख रहे थे, प्रोड्यूस भी कर रहे थे, डायरेक्ट भी कर रहे थे, तो लोगों ने नहीं कहा कि अरे प्रोड्यूस भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो, डायरेक्ट भी कर रहे हो। अब जब एक्टिंग कर रहे हैं तो लोग बोलते हैं अच्छा एक्टिंग कर रहे हो, तो एक्टिंग अलग कैसे हो गई? मतलब वो इसी का हिस्सा है एक क्रिएटिव प्रोसेस का। और चूँकि उन्होंने इतना चार साल काम किया उस कैरेक्टर पर, उसको लिखने में, तो वो ज़्यादा अच्छा उनको समझते थे। तो उनके साथ ऐसा हुआ कि पहले और दूसरे दिन थोड़ी सी हिचक रही, उसके बाद जो स्मूथ उन्होंने पकड़ा, मतलब मुझे लगा कि कई सीन तो बहुत मज़ेदार हुए उनके साथ मेरे बहुत। तो एंड ही इज़ लुकिंग वेरी गुड, ही इज़, मतलब आपको बताऊं कि जब ट्रेलर लॉन्च हुआ तो ट्रेलर लॉन्च के बाद मेरे जितने थिएटर के दोस्त थे सबके मैसेज आया और बोला कि यार प्रकाश झा तो बहुत सही लग रहे हैं यार भाई। तो दैट्स द रिएक्शन ही इज़ गेटिंग एंड ही इज़ लुकिंग वेरी नाइस। गंगा जल अपने आप में एक बहुत कामयाब फिल्म रही है, अब जय गंगा जल के साथ हम आ रहे हैं, कितनी अलग होगी ये फिल्म? और यू नो, जब हम सीक्वल बोल देते हैं उसके, और एक मानसिकता रहेगी वो सीक्वल है? नहीं, ये सीक्वल नहीं है, सोल सेम है।
पवित्र कर देंगे वाली जो बात गंगा जल में है वो सेम है सोल, बट सीक्वल कतई नहीं है इसकी। एक नई कहानी है, नए कैरेक्टर्स हैं, सारी नई, और आज की बात है, ये हमारे यूथ की फिल्म है, अभी की बात है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर नाउ, अभी के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत, और बहुत सर का एक कमाल बात है कि इतने कंटेम्प्रेरी इशू पे फिल्म बनाते हैं और इतनी एंटरटेनिंग बनाते हैं। तो इसमें सब कुछ है, अभी का है, पॉलिटिक्स है, सोशल है, ड्रामा है और एंटरटेनिंग है, सो इट्स विच फैंटास्टिक। ओके, म्यूजिक प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और म्यूजिक की मैं बात करूँ, यू नो, दर्जन भर मेरे ख्याल इसमें 12 गाने, हाँ 12 गाने, दर्जन, एक दर्जन जो होता नहीं है आज की तारीख में। कितनी जरूरत, क्या मानते हैं आपका क्या नजरिया है 12 गाने और फॉक सॉन्ग? और नहीं, मेरे ख्याल से जो गाने जिस तरह से यूज़ हुए हैं इस फिल्म में, वो ऐसे यूज़ नहीं हुए किसी ने लिप सिंग किया है या किसी ने गाया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो उन्होंने ना बैकग्राउंड म्यूज़िक को एक नया डायमेंशन दिया और इट्स वेरी गुड। वो ना फिल्म का ड्रामा, मस्ती और ह्यूमर बहुत आगे निकाल देता है गाने। मेरा पर्सनल फेवरेट है सबधन माटी, बहुत ही सुंदर भजन है जो अमृता फडणवीस ने गाया है और अरिजीत सिंह ने, दोनों ने अलग अलग ट्रैक गाए उसके, बहुत सुंदर गाना है भजन। लेकिन मेरे को इसमें जितनी मस्ती है इस पूरे गानों की, बाकी फोक सॉन्ग जितने भी हैं वो सारे बैकग्राउंड में चलते हैं, और आप देखेंगे जब फिल्म, तो पूरा का पूरा फिल्म को इन्हांस कर देते हैं, आपके एक्सपीरियंस को इन्हांस कर देते हैं, और आपको उसकी मस्ती समझ में आती है। और सर की फिल्मों में ह्यूमर बहुत कमाल रहता है, उनकी लाइन्स में, उनकी बातों में, तो इस बार म्यूज़िक में भी है। ओके, प्रेम का सबके साथ काम करने का एक्सपीरियंस, प्रेम का लीड करने मुख्य किरदार, मुख्य किरदार जब प्रियंका, मेरे ख्याल से हमारे इस समय की सबसे बेहतरीन अभिनेत्री हैं, उनसे अच्छा मतलब सभी जानते हैं अब इंडिया के, अब तो पूरा विश्व जानता है इस बात को कि वो कितनी कमाल अभिनेत्री है, वेरी सेंसिटिव एंड वेरी नाइस। और सबसे अच्छी बात है कि जब आप उनसे मिलते हो तो मैं भी स्टार स्टक था पहली बार जब सीन करने गया, तो मैं भी थोड़ा सा, मेरा भी दिल दुख कर रहा था, लेकिन आपको पता लगता है बहुत जल्दी कि यार ये तो बरेली की लड़की है, इतनी सिंपल, सबसे बात करती है, सबसे मस्ती करती है मुझसे ही नहीं, और पूरे सेट को, पूरे माहौल को इतना लाइट और अच्छा बना के रखती है। तो मेरे को उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अद्भुत रहा, और आई होप फ्यूचर में भी उनके साथ काम करने का मौका मिले। ओके, who's a better officer from Gangajal, Ajay Devgan or Abha Mathur? Of course Abha Mathur, any day. She is fantastic. No match. Okay, what message do you want to give the audience why they come and be a part of Jai Gangajal? See, first of all, it's a very contemporary film. Abhi ke issues ki film hai. Also very entertaining. So, aapko bahut maza aayega aur aap bahut sari cheezein ghar leke jayenge. Release ki kagar pe film promotion chalu ho gaya hai. रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है ट्रेलर को, जहाँ तक मैं जानता हूँ जर्नलिस्ट। नर्वसनेस है, एक्साइटमेंट है, व्हाट्स गोइंग ऑन? यार इतना मैं तो होशंगाबाद से हूँ, वो छोटे गांव से, जहाँ तक पहुँचा हूँ वो भी मेरे लिए बहुत है, तो नर्वसनेस तो है नहीं, क्योंकि एक्साइटमेंट ही है सारा, क्योंकि बहुत छोटी जगह से निकले हैं, जितना मिल रहा काफ़ी है तो एक्साइटमेंट है, बहुत मज़ेदार है। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि यार 4 मार्च आए और मैं देखूं लोगों का क्या रिएक्शन आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जवाब देंगे तो लेंस पे देंगे। बोलना मुझे। रोलिंग। झा साहब, गंगा जल की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत बेहतरीन और कामयाब फिल्म रही है, और उसके बाद जय गंगा जल बनाना, उसको लिखने में कितना वक्त लगा? और उसके अलावा ये भी पूछना चाहूँगा, क्या जो किरदार आपने निभाया वो जहन में था कि आपने ही करना है, और हाउ इट हैपेंड? गंगाजल अपने आप में एक बहुत ही सफल फिल्म है, लोग आज भी उसको याद करते रहते हैं, उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, मुझे अक्सर लोग मिलते हैं जिन्होंने कहा कि कई कई बार देखी है उस फिल्म को। तो ये सोचना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि इसी विषय को लेकर के, समाज और पुलिस के संबंधों को लेकर के, और गंगाजल जैसी दूसरी फिल्म बनाना आसान बात नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसे चीज़ें हुई 13 साल गंगाजल बनाने के बाद, इस तरह के बदलाव हुए और ऐसी नई कहानी मुझे मिली एक महिला पुलिस ऑफिसर की, आईपीएस ऑफिसर की, जो सिर्फ किसी एक किरदार से ड्रॉ की हुई नहीं है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, कि मुझे ऐसा लगा कि दोबारा
ये कहानी कही जाए। तो ये वो सीक्वल नहीं है गंगा जल का, नई कहानी है, नए किरदार हैं, नई घटना है, नया जगह है। उस कहानी को हमने आगे बढ़ाया भी नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से आप कह सकते हैं कि शूल करके पिक्चर जो है वो पुलिस और समाज के संबंधों पर थी, गंगा जल भी समाज और पुलिस के संबंधों पर थी, और जय गंगा जल भी समाज और पुलिस के संबंधों को लेकर के है। लोग पूछते हैं कि अच्छा, तो गंगा जल से टाइटल जय गंगा जल, ये तो बहुत नज़दीक का टाइटल लगता है। तो इसमें एक जो मुख्य मकसद ये है कि गंगा जल में सब पवित्र कर देंगे, यानी कि क्राइम फ्री सोसाइटी की बात की गई थी, ऐसी परिकल्पना थी। तो वो परिकल्पना अभी भी कंटिन्यू कर रही है कि जय गंगा जल में भी हम बात कर रहे हैं ऐसे कि सिस्टम डिलीवर करे और हमारे समाज में क्राइम ना हो। जहाँ तक प्रियंका चोपड़ा की कास्टिंग का सवाल आता है, वो हम कई वर्षों से बात कर रहे थे कि साथ में काम करना चाहिए, और जब मैं इसको डेवलप करने लगा तो चर्चा उससे हुई, बातचीत हुई, लेकिन मैंने कहा तुम्हारे पास वक्त तो है नहीं, तुम बाजीराव कर रही हो, फिर क्वांटिको करने जा रही हो, फिर पता नहीं कहीं चांद वांद पे जाओगी कोई नई फिल्म करने के लिए, कौन तुमको ढूंढता रहेगा। तो नहीं नहीं मिलते हैं, बात करते हैं। 15 मिनट में मैंने उसको संक्षेप में कहानी सुनाई, और उसने कहा कि ये आभा माथुर का रोल तो मैं ही करूँगी और मैं ही कर सकती हूँ, दूसरा कोई नहीं करेगा। मैंने उसको कहा बिल्कुल तुम कर सकती हो, वक्त निकालो। तो उसने बाजीराव और क्वांटिको के बीच में जो 30-31 दिन का समय था वो निकाला उसने, और हमने इस फिल्म को उस बीच में पूरा कर लिया। तो अब वो मेरी पहली चॉइस थी, और संजोग से वो फिल्म भी कर चुकी। जहाँ तक मेरे इसमें किरदार करने का प्रश्न होता है, बीएन सिंह भोलानाथ सिंह डीएसपी का रोल मैंने किया है। जब मैं लिख रहा था तो 4-5 ऐसे डीएसपीज जो एक मध्य प्रदेश में हैं, एक यूपी में हैं, बिहार में हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, उन लोगों से बात करते वक्त मुझे खास उनकी जो मैनरिज्म है, उनकी लाइफ है, उनके जो तरीके हैं, वो क्यों करते हैं वैसा, उनके बारे में क्यों इस तरह की धारणा है, वो सब थोड़ा नज़दीक से समझने का मौका मिला। और मैंने समझा कि ये रोल जो है मुझे करना चाहिए, क्योंकि कुछ वर्षों से मैं ये सोच भी रहा था कि मैंने सब कुछ कर लिया फिल्म मेकिंग में, सिर्फ एक ये फुल फ्लेज्ड परफॉर्मेंस जो होता है, जो एक बड़ा अभिन्न अंग है, एक्टरों को तैयार किया 30-35 वर्ष, बड़े बड़े अच्छे अच्छे नामचीन और बहुत नए कलाकारों को भी तैयार किया, कैसे उनको तैयार किया जाता है उसकी प्रक्रिया देखी, समझा भी, सीखा भी। तो एक इच्छा थी कि ये जो आयाम है फिल्म मेकिंग में एक्टिंग का, इसको भी पूरा किया जाए। मेरी आदत है कि मैं किसी चीज़ में जाता हूँ तो उसके हर चीज़ को देखने की, समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो किया मैंने, और संजोग से प्रियंका चोपड़ा और बाकी के सभी सह कलाकारों का बड़ा अच्छा मुझे सहयोग मिला, बड़े अच्छे से सबने सपोर्ट किया, और मज़ा आया, काम किया है हमने। जहाँ साहब, जैसे आपने कहा कि फिल्म मेकिंग का एक और पहलू ये भी है कि अदाकारी और एक्टिंग, और आप शुरू से जब आप इंडस्ट्री का हिस्सा बने तब से अब तक ये था कि वॉन्टेड टू बी अ ऑन स्क्रीन एज एन एक्टर, जो शायद अब पूरा किया, ये थी कहीं बात? ऐसा नहीं था कि शुरू से एक्टर, क्योंकि एज अ डायरेक्टर ऑल्सो भी बहुत इंगेज रहना पड़ता है, क्योंकि मैं डायरेक्टर भी रहता हूँ, प्रोड्यूसर भी रहता हूँ, राइटर भी रहता हूँ, तो वैसे भी बहुत सारे चीज़ें करने को रहती हैं। और लेकिन सिर्फ क्या अपने अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, एक उत्कंठा होती है, तो एक सही समय पर आकर के इच्छा जागृत होती है और लगता है, कॉन्फिडेंस आपको आता है तो आप करते हैं, क्योंकि एक्टिंग है आसान चीज़ नहीं है, उसकी अपनी टेक्निक है, उसकी अपनी प्रोसेस है। और जब मैंने डिसाइड किया तो फिर उसको मास्टर करने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की, और उसका फ़ायदा भी लिया, क्योंकि जिम्मेवारी का काम होता है, आप जब एक्टिंग करना चाहते हैं तो आप निराश नहीं कर सकते। मैं तो अपने आप को निराश करूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और मैं कभी भी नहीं करता, इसलिए ऐसी ज़रूरतें होती है। कल को मान लीजिए कि इच्छा करती है कि जैसे पियानो बजाना सीखना शुरू किया है कि कुछ कंपोज करूं, अगर कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो कंपोज करूँगा,
तो इसलिए ये सब चीज़ें ज़िंदगी में ही कर सकते हैं, और एक आदमी चाहे तो जो चाहे वो कर सकता है। ओके, प्रोमो को, टीजर को बहुत अप्रिशिएट किया गया, खास करके आपका जो अंदाजे बयां है, जिस तरह से आप चलते हैं, जिस तरह से आपकी डायरेक्ट डिलीवरी है, उसको बहुत बहुत तारीफ की गई है आपके किरदार को लेके टीजर और प्रोमो के बाद। जहाँ साहब, इंडस्ट्री से क्या रिस्पॉन्स रहा, जो आपके कलीग हैं, आपके दोस्त हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, खास करके आपके लुक को लेकर, आपके किरदार को लेकर? और जिन लोगों से बातचीत होती है और जिन लोगों से संपर्क में हूँ, उनके उनका रिस्पांस अच्छा रहा। थोड़ा आश्चर्य वाला रिस्पांस था, लेकिन प्रोत्साहन देने वाला रिस्पांस था। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक बार पूरी फिल्म देखने के बाद लोग जज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किस तरह से कंसिस्टेंटली मैंने उस रोल को या पार्ट को किया है। लोग फिल्म देखते वक्त मुझे भूल जाएँ और उस कैरेक्टर को याद रखें, तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हुआ। ओके, झा साहब, आपकी फिल्मों के किरदारों की अगर बात करूं, कोई मुख्य भूमिका में है तो ये ज़रूरी नहीं है कि लोग उसे ही देख के जाएं। बच्चा यादव को याद रखते हैं, एसीपी खान को याद रखते हैं, बहुत नोटिस करे जाते हैं किरदार। अगर मैं मीनो जय गंगाजल की बात करूं, मैं मेरी मानव से मुलाकात हुई, राहुल से मुलाकात हुई, कास्टिंग झा साहब किस बिना पे आप करते हैं? अब एक लीड विलन लेके आते हैं आप मानव के सूरत में, स्पेशल अपेयरेंस में आप राहुल को कास्ट करते हैं, किस बिना पे, ऑन व्हाट ग्राउंड यू ज़ीरो डाउन योर स्टार कास्ट, और वो नोटिस भी होती है, अपनी मौजूदगी दर्ज करा के जाते हैं? ये प्रोसेस है, जब लिखता हूँ, बार बार लिखता हूँ, तो ये कैरेक्टर खड़े होते हैं, फिर कौन उस कैरेक्टर में जमता है, फिर जो एक्टर्स मिलते रहते हैं, जिनके जिनके बायोडेटाज हमारे पास रहते हैं, जिनकी जानकारी हमारे पास रहती है, जिनका काम मैं देख चुका रहता हूँ, फिर मैं उनसे बुलाता हूँ, फिर हम बात करते हैं, बात करके फिर हम दोनों एक सम्मिलित डिसीजन लेते हैं। तो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। और हमारे कास्टिंग की जो हमारी यूनिट है, श्रुति महाजन हमें हेल्प करती हैं, इस फिल्म में भी कास्टिंग में हेल्प की है उन्होंने, हमारे यहाँ से रीतम श्रीवास्तव हैं, तो हम लोग मिल करके इसको जमा करके और एक ओवर अ पीरियड कास्ट करते हैं। अचानक से कि अच्छा आप कास्टिंग शुरू करो, ऐसा नहीं होता। जैसे निनाद कामत की कास्टिंग जो है, वो करीब साल भर पहले कर ली थी मैंने, उस वक्त कहीं काम देखा था, वो बिल्कुल फिट बैठता था मेरे डब्लू पांडे के कैरेक्टर में, तो इसके पहले किसी और से बात करी, उसको उसकी कास्टिंग कर ली। जैसे कि राजनीति में अर्जुन रामपाल, चार साल पहले, फिल्म बनने के चार साल पहले उसकी कास्टिंग कर ली थी मैंने, तो मुझे वो कैरेक्टर मिलते हैं तो मैं कास्ट कर लेता हूँ। ओके, जैसा उसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कहानी छुई हुई है, आप एमपी की बात करें, अमूमन यू नो ज़्यादा करके अपहरण की मैं बात करूँ या गंगाजल की बात करूँ, बिहार की तरफ, ये जो कहानी आप कहने जा रहे हैं जय गंगाजल के माध्यम से, कितना, हालांकि आप पहले भी कह चुके हैं, फिर भी जानना चाहूंगा, कितना लोग रिलेट करेंगे जो आज की करंट सिनेरियो में पुलिस और जनता के बीच में जो मतभेद हैं आज, या जो टकराव हो रहा है, या पॉलिटिशियन और पुलिस के बीच में जो, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज हर लिहाज से हम 13 साल गंगाजल को हो गए और आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, कितना रिलेट करेंगे सब लोग कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हमने देखा? क्योंकि ये आज की कहानी है, आज जो समाज बदल गया है उसमें किस तरह की मान्यताएं हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है, पुलिस इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर पा रही है कि नहीं। जैसे कि आभा माथुर हमारी फिल्म में कहते हैं कि आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, तो हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहां एक मंत्री जो है सो खुले मीटिंग में एक लेडी आईपीएस ऑफिसर को जो है कह देता है कि आप चुप रहिए और गेट आउट होइए यहां से, वो नहीं जाती है तो 24 घंटे में उसका ट्रांसफ़र कर देता है। तो मतलब समाज बदल गया है, कंट्रोल्स बदल गए हैं, और इस बदलते कंट्रोल और समाज के बीच में पुलिस की क्या भूमिका है, और उसमें एक ऐसी घटना जो भागलपुर ब्लाइंडिंग से भी ज़्यादा दर्दनाक घटना है जो लगातार हो रही है, वो कहानी मुझे मिलती है। तो ये आज की कहानी है, आज की बात है, और इसमें जो कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो दूसरे तरह के डिलेमास फेस कर रहे हैं। आभा माथुर का कैरेक्टर जो है वो अलग तरह का डिलेमा फेस कर रहा है, तो मुझे लगता है लोगों को अच्छी लगेगी। अभी आपने जो जिक्र किया वो मेरे बहुत सुर्खियों में भी थी वो खबर, क्या वो रेफरेंस वहीं से लिया गया है? नहीं, मैं एक आपको समय की बात बता रहा था, मैं समय की बात बता रहा था, क्योंकि आज जो है जिस तरह की ताकतें काम कर रही हैं वो किस तरह से सामने निकल के आती हैं। संगीत आपकी फिल्म में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस फिल्म में तो कुछ खास लग रहा है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, जो थोड़ी बहुत मुझे मालूम आते हैं, 12 गाने और 10 गाने और वो भी फोक सॉन्ग है जो कई सदियों से, बरसों से सुने और कहे और सुनाए जा रहे हैं, क्योंकि मिट्टी की कहानी है, लोगों की कहानी है, आम
जो हमारे कस्बे की कहानी है और उस कहानी में जो जोड़ सकती है, क्योंकि वो जो ड्रामा चलता है, फार्स चलता है या हास्य चलता है, उसके पीछे वो गाना चलता है जो उसके डिमेंशन को बढ़ाता है। कि जब वो हमारा फिल्म में पहला गाना जो आता है, शुरू में आता है, जिसमें कि कर्ज वसूली करने वाले एजेंट जो है वो 10 मोटरसाइकिल पे सुबह सुबह गांव में घुसते हैं। अब वो गांव इतना खूबसूरत दिखता है, सुबह की लाली सूरज की इतनी खूबसूरत दिखती है, वो जब चलते हुए चले आ रहे हैं तो सड़क पे जो उड़ती धूल है वो इतनी खूबसूरत दिखती है, लेकिन जब वो गांव में घुसते हैं तो हाहाकार मच जाता है, लोग भागने लगते हैं। तो ये जो हास्यास्पद है इस खूबसूरती के बीच में, ये जो विलेनस चीज़ है, हास्यास्पद चीज़ है, इसका किस तरह से बखान किया जाए। तो मुझे गाना मिला, ये माया ठगली नाच नचावे, यह जमाना आयो रे, डर लागे और हंसी आवे, यह जमाना आयो रे, डंका उसका बोलेगा डंडा जिसके हाथ में, घेर के पहले मारेंगे बात करेंगे बाद में। अब ये जो गाने हैं, हम लोग ये जो बोल हैं, इसके कई लेयर के माने हैं। ये जो हमारे ट्रेलर में सुखविंदर जो गाना गाते हैं वो कब है, वो जब चेज कर रही है, वो भरी अदालत को ब्लास्ट करके एक क्रिमिनल जो है वो भाग रहा है और जान की बाजी लगा के प्रियंका चोपड़ा जो है आव मातुर उसका पीछा कर रही है, वो पीछा कर रही है, मतलब कमाल है। और गाना वहाँ शुरू होता है कि पूरब तू भाग चाहे पश्चिम तू भाग ले, उत्तर तू भाग चाहे दक्षिण तू भाग ले, छान लेंगे ऐसे जैसे मछली हो जाल में, टेंटुआ दबोच देंगे घुस के पाताल में। तो ये जो गाने हैं, ये जो बोल हैं, ये हमारे जीवन के बचपन से हमने देखे हैं और मिट्टी के साथ जुड़े हुए बोल हैं कि मतलब वो, और बहुत अच्छे अच्छे मतलब उदित नारायण जी ने गाना गाया हमारा, माया जोगनिया नाचे बीच बाजार, पहन के 10 तोले का हार जोगिनिया नाचे बीच बीच बाजार, बप्पी दा ने गाना गाया सन सन बहेले बहरिया, गोगल लगावे घूमे गुजरिया, वो है। और एक एक करके जो इस तरह के गाने हैं, और आपको सुखविंदर जी ने तो गाया ही है, घनघोर घनागन, घन 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 घुमे बाजी, हाथ तमंचा है लहराए घनघोर घनागन, मतलब इस तरह के गाने, इस तरह के ज़मीन के गाने जो हैं हमारी फिल्म के अंदर में हैं। और 10 गाने हैं जो मैंने बैकग्राउंड में इस्तेमाल किए हैं, जो एक नया डिमेंशन हमारी फिल्म को देते हैं। छा साहब, जितना इंजॉय करके, जितना लुफ्त उठा के आप बता रहे हैं कि लव्स गानों के, हालांकि उनका सुर भी आपको पता है, आपकी कितनी यादें ताज़ा हुई और ये कैसे आइडिया आया कि मुझे इनको, इन गानों को, क्योंकि हकीकत बयां करते हैं, कहीं लिपसिंग नहीं हो रही है, जैसे आप हम आतुर किसी को चेस कर रही हैं तो वो उसकी कहानी बयां कर रहा है, फिल्म इंट्रोड्यूस होती है, शुरू होती है तो वो बयां कर रहा है, आपकी कितनी यादें ताज़ा होती हैं फोक सॉन्ग से, और ये पहले से ही प्लान मैं तो जुड़ा हूँ, नहीं एडिटिंग करने के बाद मुझे लगा, मुझे क्योंकि वो पूरा जो कॉमेडी चल रही है आजकल ज़िंदगी में, जो लाइफ में हम देखते हैं कि कोई कुछ बोल देता है, कोई उसका टॉलरेंस इनटॉलरेंस जातिवाद ये वाद वो वाद, मतलब एक अलग तरह का कॉमेडी चल रही है जैसे हमारे पृष्ठ पटल पे, तो इस कॉमेडी में जो गाने निकल के आते हैं, जो 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 चीज़ जो बोल है, क्योंकि सिर्फ ये गाने नहीं हैं, ये एक समय के बोल हैं, तो ये जोड़ते हैं। और हमने उनको मतलब ऐसे नेचुरली जब हमने ढूंढना शुरू किया एडिटिंग के बाद कि हम यार मैं इसको बनाना चाहिए, तो 10 एक सिचुएशन ऐसे निकले और वो उनको मतलब उन सॉन्ग्स को हमने मतलब फोक लिया, और सलीम सुलेमान ने बहुत अच्छे तरीके से उसको मॉडर्न म्यूज़िक के साथ में उसको लार्ज बिग जैसे सॉन्ग हमारी फिल्मों के होते, तो आपको मज़ा आएगा उन फिल्म उन गाने के पीछे। प्रियंका प्रियंका की लुक की मैं बात करूं, खास करके जो पोस्टर में पीछे लुक लुक दिख रहा है मुझे, वो कहीं बच्चन साहब का अंदाज नज़र आता है मुझे, मैं अपनी एज अ जर्नलिस्ट बोल रहा हूं सर, आपकी राय जानना चाहूंगा कि आप खास कुछ रेफरेंस दिए थे, अगर आप देखें जो मुझे अपने नज़रिए से नज़र आता है, हम की कहीं याद दिलाता है फिल्म हम में बच्चन साहब इसी अंदाज में खड़े। अब आप बोल रहे हैं तो मुझे लग रहा है क्योंकि खाकी वहाँ भी पहनी थी, खाकी यहाँ भी पहनी है, लेकिन प्रियंका का कैरेक्टर जो है बड़ा खूबसूरती से, मतलब क्योंकि खाकी की नौकरी जो है मर्दानी नौकरी मानी जाती है, और औरतें जब पहनती हैं तो उनकी चाल बदल जाती है, जो कि प्रियंका की भी बदल जाती थी,
लेकिन अपना फेमिनिज्म उसने छोड़ा नहीं है। और सच्ची है, कठिन है, सख्त है, लेकिन एक भावना भी है उसके मन में, उसको लेकर के प्रियंका ने पूरी अच्छी तरह से निभाया है उसको। जब हाथ उठाना है तो हाथ उठाया भी है, जब सहलाना है तो सहलाया भी है। क्या सरप्राइज करेंगी प्रियंका? देखिए, ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं। मुझे लगता है कि हमें अपनी हम कहानी एक अच्छी कहने की कोशिश करते हैं और सब हम मिल करके कहानी कहते हैं। प्रियंका ने बहुत खूबसूरती से उस आभा माथुर का रोल निभाया है, बहुत कन्विंसिंगली निभाया है, और मेरे लिए सभी तभी जाकर के कहानी खूबसूरत होती है कि जब लोग फिल्म देखते हुए प्रियंका चोपड़ा को न याद करें, आभा माथुर को याद रखें, मेरे कैरेक्टर बीएन सिंह को याद रखें, ना कि प्रकाश झा को देखें वहाँ। तो ये चीज़ें हैं, मानव का हो या राहुल का हो, सबके कैरेक्टर, तो वो अगर वो रियलिटी के रेल में अगर हमारी फिल्म आती है और लोग उसे रिलेट करते हैं तो सबसे बड़ी बात हो जाती है। धन्यवाद आपका। हम आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, कंपैरिजन यकीनन होंगे जब मैं गंगाजल की बात करता हूँ। मैं पहले सवाल में उत्तर दे दिया उसका, शुरू में बोलते बोलते गंगाजल बनाई थी। मैं सर अजय देवगन और प्रियंका के कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दोनों के किरदारों को लेके, अब प्रियंका है पहले अजय, उस बारे में जानना चाहूँगा सर। कंपैरिजन यकीनन होंगे, शायद आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हो, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही मतलब दोनों ने अपने अपने जगह पे अपने अपने हिसाब से अपनी खूबसूरती से काम किया, और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसी वर्ष जब अजय देवगन को भी पद्मश्री मिल गया और प्रियंका चोपड़ा को भी मिला पद्मश्री, तो मुझे लगा कि गंगा जल से जय गंगा जल तक का सफ़र बिल्कुल सही हुआ। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ जय गंगा जल, क्यों वो आए और जय गंगा जल का हिस्सा बने? मैं समझता हूँ कि ये हमारी कहानी है, ये आपकी कहानी है, और ख़ास करके नौजवानों की कहानी है कि जो कल दुनिया फेस करने जाने वाले हैं, कि उनको समझ में आए कि क्या दुनिया है। और ये एक ऐसे महिला पुलिस ऑफिसर प्रियंका चोपड़ा आभा माथुर की कहानी है, जो एक जिले में चली जाती है और एक बहुत बड़ा सत्य जो है उकेर करके सामने लाती है। आप इसको एंजॉय करेंगे, और जैसा कि अक्सर होता है मेरी फिल्म में, आप एंजॉय तो करते ही हैं, साथ में घर कुछ लेके भी जाएंगे। धन्यवाद आपका। सर, क्या म्यूजिक कंपोज करेंगे आने वाले वक्त में, जैसे आपने जिक्र किया? चुप रहे। राहुल आपका लुक उसमें रहेगा, लेंस पे रोल कर रहे हैं? हाँ, रोल। राहुल, व्हाट वाज़ द फर्स्ट रिएक्शन, द मोमेंट यू नो कहा जा अप्रोचिंग फॉर द फिल्म जय हो गंगा? वेल, आई वाज़ वेरी हैप्पी एंड आई वाज़ एक्साइटेड दैट डायरेक्टर ऑफ प्रकाश जी कैलिबर इज कॉलिंग मी फॉर समथिंग विच ही टोल्ड मी दैट आई हैव अ स्पेशल अपीयरेंस इन दिस फिल्म। ही सेड दैट I asked him, why are you calling me for this role? So he said, the message that I want to give basically in the film, mere pura jo saransh hai jo mera, so that message I want to give through this character. I need a really someone who can really portray that. And he said that I thought of you, and I was like, wow, this is interesting. Okay, jab hum special appearance ki baat karte hain, you know, स्पेशल अपेरेंस बहुत सी फिल्मों में हुआ है, जब हम स्पेशल अपेरेंस की बात करते हैं, कोई यू नो सलमान हो गए, आमिर हो गए, स्पेशल अपेरेंस सभी लोग कर चुके हैं। उसके बाद एक स्पेशल अपेरेंस करना हो प्रकाश झा जैसी फिल्म में, और बहुत मुख्य किरदार है जो पूरी कहानी का सारा है और निचोड़ कहता है, वो कितना चैलेंजिंग था? और जब एक डायरेक्टर का यकीन आपके ऊपर उस बात को लेके है, वो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जब एक डायरेक्टर आपको किसी स्पेशल अपेयरेंस के लिए बुलाता है और सडनली एंड ही फील्स दैट नो नहीं वो एक्टर कर पाएगा ये, सो एक तो सौभाग्य होता है उस एक्टर का कि भाई किसी इतने बड़े डायरेक्टर ने आपको इतने अहम रोल के लिए बुलाया, और दूसरा मुझे लगता है कि एक एक्टर पे भार भी बढ़ जाता है, बिकॉज फिर उसको कुछ अलग करना पड़ता है, क्योंकि उस कहानी में सारे किरदार एक होते हैं और एक मुख्य किरदार होता है, एक स्पेशल किरदार होता है, तो उसको
स्पेशली निभाना पड़ता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्पेशल अपीयरेंस। ओके, आप इस किरदार की ओर जाना चाहूंगा, कितना खास होगा जैसे आपके लिए स्पेशल अपीयरेंस? देखिए ये बेसिकली ये जो लड़का है आई एम प्लेइंग, उसका नाम पवन है और ये अमेरिका में काम करता है, बहुत कंफर्टेबल है, बहुत पढ़ा लिखा है, IIT MIT से पढ़ा लिखा है, टॉपर है और अमेरिका में बहुत ही कंफर्टेबल अपना जीवन बिता रहा है। सडनली सब छोड़ छाड़ के ये इंडिया वापस आता है और अपने गांव, अपने देश के किसानों के लिए, उनके हित के लिए ये एक लड़ाई, एक जंग छेड़ देता है। क्योंकि पढ़ा लिखा है तो बंदूक बंदूक तो उठाएगा नहीं, लाठी वाठी तो उठाएगा नहीं, तो ये एक एक्टिविस्ट का रोल करता है और इसके रास्ते में सारी अड़चनें आती हैं मगर ये अपने पथ से घबराता नहीं है, ये अपने उसी पथ पे चलता है। क्या चैलेंज रहा आपके लिए ये किरदार निभाने के लिए? कुछ लुक के भी कुछ हुआ था या कितना कितना चैलेंजिंग था? क्या क्या ब्रीफ था? नहीं, मेरे लिए केक वॉक था। हाँ, थोड़ा सा हमने दाढ़ी वाड़ी रखी, थोड़ा सा एक्टिविस्ट का रोल है तो आई ट्राई टू प्ले इट अ लिटिल बट नॉट द टिपिकल एक्टिविस्ट। सो वी थॉट नहीं यार ये आज का लड़का है, आज की तरह बात करेगा। एक्टिविस्ट का मतलब ज़रूरी थोड़ी ना होता है कि भाई कुर्ता पजामा पहन लिया, झोला डाल दिया। तो एक इंटरेस्टिंग वे से इसको निभाया है, लेट्स सी हाउ पीपल आर गोइंग टू टेक इट। ओके राहुल, प्लीज मेक मी करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग समवेयर। उमेश मेहरा लॉन्च मी विद ये मोहब्बत है एंड देन आई डिड नई पड़ोसन विद नितिन मनमोहन, इट वॉज अ डबल रोल। सो आफ्टर दैट आई गॉट लॉट ऑफ फिल्म ऑफर्स दिस दैट बट आई वॉज नॉट रियली हैप्पी दोज डेज, बहुत ही कमर्शियल मसाला टाइप की फिल्में मिलती थी। सो आई थॉट चलो मैं घर बैठता हूँ। आई स्टार्टेड प्रोडक्शन हाउस कॉल्ड फिल्म टॉनिक, वी मेड लॉट ऑफ शोज बट आई डिडंट एक्ट इन देम, आई प्रोड्यूस देम फॉर ZTV, वी डिड मेरी डोली तेरे अंगना, तुम देना साथ मेरा, छूकर मेरे मन को फॉर दूरदर्शन स्टार वगैरह। एंड देन अनुराग कश्यप केम अलोंग एंड ही ऑफर्ड मी अगली। अगली वॉज क्रिटिकली अक्लेम्ड, आई वॉज नॉमिनेटेड इन न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इट वेंट टू कान, इट डिड वेरी वेल हियर। आफ्टर दैट नाउ आई एम डूइंग प्रकाश झाज गंगा जल, I am doing Fitur with Abhishek Kapoor, I am doing Devdas where I am playing Devdas with Sudhir Mishra. One can say that Ugly really opened a lot of doors for me and also the time is changing. Ab zara wo thoda sa interesting directors jo hai na, ab ye industry jo hai kuch parivaron ka wo playground nahi hai. अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरह की फिल्में भी बनती है और ये सारे डायरेक्टर जो छोटे शहरों से आए हैं, चाहे वो विशाल भारद्वाज है, इम्तियाज़ अली है, सुधीर मिश्रा, अनुराग कश्यप है, हंसल है, सो मेनी न्यू डायरेक्टर्स, दे आर चेंजिंग द नेम ऑफ द गेम। अब मज़ा आ रहा है इंडस्ट्री में, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्में बन रही है, लोग डरते नहीं हैं अब वो डर जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। और अगर आप में, अगर आप सक्षम हो, अगर आप में कैपेबिलिटी है, अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आपको अपने आप पे यकीन है और वाकई में आप मेहनत की है, एक्टिंग समझते हैं, तो मुझे लगता है कोई नहीं रोक सकता। ओके, अगली के बाद यू नो चाहे वो यू नो योर सीन विद 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 द इंस्पेक्टर जब बच्ची को दिया नहीं, वो द सिचुएशन तो वेरी अप्रिशिएटेड एवरीवेयर, इवन द प्रोम ट्रेलर एंड टीजर वाज अप्रिशिएटेड। जैसे आपने कहा कि अगली के बाद या अनुराग कश्यप जैसे निर्देशक के बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोग आज मतलब टॉप में हैं, गिने जाते हैं, शुमार किया जाता है, आपको लगता है कि अनुराग कश्यप और जो जिन डायरेक्टर का नाम, उन्होंने सिनेमा को बदला है, बदल के रख दिया कि अब जरूरी नहीं है कि यू हैव टू बी 6 feet टॉल और इफ यू आर अ गुड एक्टर? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि डायरेक्टर्स लाइक अनुराग कश्यप, डायरेक्टर्स लाइक सुधीर मिश्रा, प्रकाश झा, हंसल मेहता, सो मेनी विशाल भारद्वाज, सो मेनी दी एंड ऑल दीज यंग टैलेंटेड डायरेक्टर्स, रितेश भत्रा, ये लोग तो कुछ और ही लोग हैं यार, ये लोग तो
ये लोग सिनेमा पता नहीं कौन सा कहाँ छोटे छोटे शहरों से आए हैं, इतने इतना रिसर्च करके आए हैं, इतना जानते हैं अपने आर्ट, अपने हुनर, अपने काम को, और ये फेयरलेस लोग हैं, डरते नहीं हैं, तो बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, नया सिनेमा बनाते हैं। देखिए हम हिंदुस्तान में सिनेमा की बात करते हैं, हम क्यों नहीं ईरान जैसी कंट्री में, छोटे से कंट्री में वो लोग ऑस्कर भी ले गए हैं, वो लोग पाम डोर भी ले गए हैं कान में, वो लोग सारे अवार्ड ले गए इंडिया में। आज तक कभी कान फिल्म फेस्टिवल में हम लोग जाते हैं, डायरेक्टर्स फोर्टनाइट में इधर उधर कहीं इधर उधर जाते हैं, हम लोग कॉम्पिटिशन में गए ही नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि डरपोक लोग हैं इस कंट्री में, डायरेक्टर्स बहुत डरते हैं, मसाला फिल्में बना बार बार वही फिल्में रिपीट करते रहते हैं, और अगर बनाते भी हैं कोई ऑफ बीट फिल्म तो तब भी थोड़े डरते हैं कि थोड़ा सा कमर्शियल एंगल लाओ यार, कोई नहीं। तो हम लोग ऐसा सेपरेशन बना ही नहीं पाते, हम लोग ऐसी फिल्में, ईरानी फिल्में, हम लोग माजिदी फिल्में बना ही नहीं पाते यहाँ। मगर अब मुझे लगता है कि अब खुल रहा है वो मामला, अब ये थोड़े फेयरलेस लोग आए हैं, अब आप देखिएगा आने वाले 2-3 साल में और कमाल हो जाएगा। फितूर के बारे में भी बताना चाहेंगे, वो कितना चाहेंगे? इट्स अ बिग फिल्म एंड आई थिंक दैट बहुत ही पोइट्री की तरह वो फिल्म है। अभिषेक कपूर इज़ अ वेरी टैलेंटेड डायरेक्टर, और अनय जो कैमरामैन है उनके बहुत, आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इट्स अ ग्रेट फिल्म। आपका किरदार क्यों आएगा थोड़ा थोड़ा? उसमें यह देखिए, अभिषेक कपूर एक बहुत ही गटू जो डायरेक्टर है फितूर के, ही इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डायरेक्टर टू वर्क विद, और मेरा रोल बहुत ही कमाल का है उसमें, अपोजिट कटरीना कैफ है, तो वो जो है वो पाकिस्तानी, टोटली डिफरेंट। सो व्हाट बेसिकली इट्स interesting for me because 12th February Fritur is releasing, I have one role in that, then 4th March exactly 1 month after Jai Ganga Jal is releasing, then 1.5 month later I have got Devdas. So my fans or my audience will see me in 3 different characters in a span of 4 months, and mere liye bada hi exciting hai ki main janta hu maine teeno ko ye teen अलग लोग हैं, एक्टर सेम है मगर ये तीन, इनकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, इनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट है, इनका सब अलग है, बस एक्टर ही सेम है, बस बाकी कुछ नहीं। सो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है टू सी हाउ ऑडियंस विल रिएक्ट एट द एंड ऑफ इट। थैंक यू सो मच। थैंक्स।